हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 6। नतास्मते नाथ सदा नृपंकजम् विरंच वैरंच सुरेन्द्र बंदितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् नयत्र काला प्रभवेत् परम प्रभु नतास्मते नाथ सदा नृपंकजम् विरंच वैरंच सुरेन्द्र वंदितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् नयत्र कालः प्रभवेत् परम् प्रभु नतास्मते नाथ सदा नृपंकजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् नयत्र कालः प्रभवेत् परम् प्रभु सुरेन्द्र वंदितम् सुरेन्द्र वैरिं सुरेन्द्र
शब्दार्थ नतहस्मा, हम नतमस्तक हुए थे ते आपके समक्ष। नाथ हे भगवान, सदा सदैव अंग्रि पंकजम चरण कमल विरिंचा ब्रह्मा प्रथम जीव वैरिंचा ब्रह्मा के पुत्र यथा सनक तथा सनातन सुर इंद्रा स्वर्ग का राजा वंदितम पूजित परायणम सर्वोपरि क्षेमम कुशल कल्याण यहा इस जीवन में इच्छताम इच्छा करने वाला परम सर्वोच्च ना कभी नहीं यत्र जहां कालः प्रबल काल प्रभवेत अपना प्रभाव डाल सकता है परः दिव्य प्रभु परमेश्वर। अनुवाद एवं तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, नागरिकों ने कहा हे भगवान, आप ब्रह्मा चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तात्पर्य, भगवत गीता ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। ना तो कोई उनके समान है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है, और यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। सारे जीव जो परमेश्वर के अंश स्वरूप हैं और उन पर आश्रित हैं, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। सारे जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं और परमेश्वर परम अधिष्ठता है। जैसे इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी तरह ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को सघन अंधकार में रखा गया हो। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य सदैव नतमस्तक हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपापदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ बोल सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। इसके पूर्व के जो दो श्लोक थे उसमें द्वारकावासी भगवान का स्वागत कर रहे हैं, जो भी भेंट उनके पास में है प्रेम पूर्वक समर्पित भाव से भगवान को वह भेंट प्रदान कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भेंटे कैसी हैं, एक दीप सूर्य को अर्पित करने के समान है। और बड़ी मृदुल भाषा में, बड़े प्रेममय भाषा में सभी द्वारकावासी भगवान का अभिवादन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और इसकी उपमा भी दी गई जैसे कोई पुत्र अपने पिता का प्रेम भरी भाषा में स्वागत करता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि अनंत काल तक सभी जीवों की इच्छा पूरी करते रहते हैं, अपने में आत्माराम है, परम संतुष्ट हैं, इनको इस भौतिक संसार की किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अब हम ये भी देखते हैं कि कई लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान का आश्रय नहीं लिए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते, भगवान समान रूप से सबकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये सभी जीव कौन है, मेरे अंश हैं। अब आज के श्लोक में नागरिकों की स्तुति शुरू हो रही है। द्वारकावासी भगवान कृष्ण का स्वागत तो कर ही रहे हैं लेकिन स्तुति भी कर रहे हैं। स्तुति में पहला श्लोक है, वे कहते हैं विरिंची, विरिंची मतलब ब्रह्मा, और वैरिंची मतलब ब्रह्मा के पुत्र सनक सनातन, इसमें शिव जी भी आ गए, सभी आ गए, नारद जी भी आ गए। तो द्वारकावासी जानते हैं ब्रह्मा जी भी भगवान की पूजा करते हैं और ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं वो भी भगवान की पूजा करते हैं, सदैव पूजा करते रहते हैं भगवान की। और सभी जीवों का आश्रय परम भगवान है, मुख्य रूप से जो अपना लक्ष्य भगवान बना चुके हैं, जो अपना लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का आश्रय केवल भगवान है। और वे कहते हैं कि आप परम दिव्य भगवान हो, काल का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, काल आपको स्पर्श नहीं कर सकता। जो काल हम सब जीवों को पकड़ रहा है वो काल के प्रभाव से ही वस्तु क्षीण होती है ना। हम जन्म लेते हैं, काल के कारण ही बढ़ते हैं, काल के कारण ही प्रजनन होता है, काल के कारण ही वृद्धावस्था आती है और काल के कारण ही मृत्यु हो जाती है। और ये प्रभाव काल का हर एक वस्तु पे है, आप चाहे मनुष्य ले लो, चाहे पुष्प ले लो, चाहे जानवर ले लो, चाहे पशु ले लो, कुछ भी ले लो, काल के प्रभाव से परिवर्तन हो रहा है। फूल भी देखिए, जब कली होती है, जब थोड़े दिनों के बाद में वो खिल जाती है, इतने सुंदर दिखती है, उसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं।
तो इच्छा कपटी तोड़कर भक्त की भगवान को अर्पण करना। लेकिन अगर आप उसको नहीं तोड़ोगे, कुछ समय के बाद क्या होगा, वो मुरझाना शुरू होगा, मुरझाने के बाद वो गलना शुरू होगा और एक समय ऐसा आएगा वो टूट के नीचे गिर जाएगा, खत्म हो, काल ने उसको नष्ट कर दिया। तो काल सबको पकड़े हुए है लेकिन काल कृष्ण को नहीं पकड़ सकता। इवन कि भागवत में तो कपिल भगवान माता देवती को ये भी कहते हैं, मद भयात बाती मातो, ये मेरे भय से हवा बहती है, मद भयात सूर्य तपती, मेरे भय से सूर्य तपता है। ऐसे नहीं सूर्य तप रहा है, भगवान भयभीत होते हैं इसलिए सूर्य तपता है। और मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से मृत्यु सबको पकड़ रही है, इवन देवताओं को भी डर है मृत्यु का, यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी डर है मृत्यु का। काल का डर देवताओं को भी है, काल का डर किसको है, ब्रह्मा जी को भी है, तो कोई भी काल से बचा हुआ नहीं है। लेकिन भगवान, उन्होंने तो काल बनाया है ना, मृत्यु नहीं होती तो सब जीवित रहते, किसी को किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता, है ना। लेकिन काल भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए भगवान का शरीर कैसा रहता है, सत चित आनंद, उसमें कोई बुढ़ापा नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। ऐसा काल के कारण वृद्धावस्था भी आती है, देखते ना परिवर्तन होता है शरीर में, लेकिन हम क्या करते हैं, काल को टालना चाहते हैं, काल हमारे पास में ना आए, हमारी मृत्यु ना हो। जैसे काल एक नोटिस देता है, हमारा एक बाल सफेद हो जाता है, लेकिन क्या करते हैं, उसको कलर कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं, हम यंग दिखे, हम जवान दिखे, लोग हमको देखते रहे, है ना। काल का दूसरा नोटिस आता है, दांत गिर जाते हैं, लेकिन इच्छा बनी रहती है जीव का रस अनुभव करने की, तो नकली दांत लगा लेते हैं जिससे मैं वस्तुओं को चबा सकूं, है ना। काल का तीसरा नोटिस आता है, सुनना बंद हो जाता है, लेकिन सिनेमा के गीत सुनने हैं तो वो हेयरिंग एड मशीन लगा लेता है, है ना। काल का चौथा नोटिस आता है, आंखों की दृष्टि थोड़ा मंद पड़ने लगती है, दिखना कम होने लगता है, मोतिया बिंद आ जाता है, लेकिन चश्मा लगा लेता है, लेंस लगा लेता है, ना। काल कितने नोटिस दे रहा है। फिर पांचवा नोटिस आता है, शरीर में जो स्किन है छुरियां हो जाती है, लटकनी शुरू हो जाती है, है ना, और उसको भी प्लास्टिक सर्जरी करके कितना व्यक्ति के पास दिमाग है, सोचो, वो सोचता है मैं भगवान से आगे चला जाऊं, भगवान ने जो काल बनाया उसका प्रभाव मेरे पे ना पड़े, कितना भी प्रयत्न कर ले। माइकल जैक्सन का नाम सुना, माइकल जैक्सन, उसने पता है कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी कराई थी गोरा बनने के लिए, ब्लैक फैमिली में जन्मा था, काला था वो, लेकिन सुंदर बनने के लिए, गोरा बनने के लिए उसने कम से 15 प्लास्टिक सर्जरी कराई थी अपने शरीर में। आप सोचिए 15 प्लास्टिक सर्जरी, चमड़ी को निकालना, गोरी चमड़ी लगाना, और प्लास्टिक 15 बार क्यों कराई, क्योंकि दोबारा काली हो जाती थी, क्योंकि आप ओरिजिनल रंग आपको जो मिला है आप उस रंगों को बदल रहे हो, ओरिजिनल फिर आ जाएगा, क्योंकि आपका आपने जो टेम्परेरी रंग बनाया है वो क्षणिक है, वो ज्यादा समय तक शरीर पर नहीं टिकेगा, आप कितना भी प्रयत्न कर लो। इसलिए व्यक्ति को सिंपल रहना चाहिए, सादा रहना चाहिए, और जो लीपा पोती ज्यादा करता है ना, उसका जब शरीर जलाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा बदबू उसी शरीर में आती है, सत्य बता रहा हूं। जो लीपा पोते समझते हैं मेकअप ज्यादा करता है ना, कभी कभार ऐसा होता है बिना मेकअप के बाहर निकलना नहीं चाहिए, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारा असली चेहरा दिख जाएगा। अरे असली चेहरा दिखाना जरूरी है, कितने समय तो तुम नकली चेहरा लेके ही बैठे हुए हो, असली चेहरा नहीं दिखाओगे तो मरते समय बहुत तकलीफ होगा। तो इसलिए कई लोग होते हैं बिना मेकअप के बाहर जाते ही नहीं है, और मेकअप करने में कितना समय लगता है इसके बारे में तो ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूं, घंटों घंटों लग जाते हैं।
केवल किस लिए लगते इतने घंटे? आप सोचिए, कोई हमको हमको देखे तो वो एक रिएक्शन दे कि कितना सुंदर है। केवल ये सुनने के लिए हम घंटों घंटों मेकअप करते हैं अपने शरीर का। और ये भी चीज है कि हम काल से बच जाए, ये भी कारण है मैं बूढ़ा ना दिखूं। लेकिन ऐसा कोई प्राणी है संसार में जो बूढ़ा ना दिखे? हाँ, एक उपाय है, लेकिन वो उपाय भी टेम्परेरी है। आपको बता देते हैं, शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया है बहुत सारा। सौबरी मुनि थे, सौबरी मुनि और च्वेन मुनि, च्यवन पराश खाते ना, च्यवन पराश, ये च्वेन मुनि के नाम पे पड़ा है। इनका कथा है भागवतम के 9वें स्कंद में। तो च्वेन मुनि बहुत बूढ़े थे, उनका शरीर लटक रहा था, उनका शरीर का मांस लटक रहा था, उनको कंधा दे के चलाना पड़ता था। लेकिन सुकन्या नाम की सुंदर बालिका, 16 साल की, विवाह किया था इतने बूढ़े व्यक्ति के साथ। और तब तो निष्ठा श्रद्धा बहुत होती थी, शादी हो गया तो पूरा जीवन भर निभाना पड़ता था। अब बड़े प्रेम से सुकन्या सेवा करती थी। और ये जो च्यवन मुनि थे बहुत एरोगेंट थे, इनको छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो बेचारी पत्नी सहन करती थी, इतना सामर्थ्य था उसके अंदर। अब एक दिन क्या होता है, अश्विनी कुमार आते हैं, ये देवलोक में देवता हैं और वैद्य हैं, इनके पास थोड़ी जड़ी बूटियां रहती हैं, अश्विनी कुमार ये आ जाते हैं। क्यों आते हैं च्यवन मुनि के पास? च्यवन मुनि को कहते हैं, इंद्र हमको हमारे यज्ञ का भाग नहीं दे रहा है, आप यज्ञ करके हमको भाग दिला दो। तो च्यवन मुनि में इतनी शक्ति थी कि इंद्र से इन दोनों का भाग लेके वो इन दोनों को दे सकता था। लेकिन च्यवन मुनि ने भी एक कंडीशन रखा, मुझे जवान बना दो, मुझे यंग बनना है, क्योंकि मेरी पत्नी यंग है, युवती है, और मैं बूढ़ा हूं, तो कॉम्बिनेशन ठीक लगता नहीं है। तो अश्विनी कुमार बोले, कोई समस्या नहीं, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो अश्विनी कुमार क्या किए, वो चल नहीं सकते थे च्यवन मुनि, अपने दोनों हाथों का सहारा देके उनको एक कुंड था औषधि का, जड़ी बूटियों का, उसमें उनको स्नान कराया। और जैसे ही स्नान कराया, तीनों गए पानी के अंदर, जैसे ही बाहर आए तो च्यवन मुनि का शरीर एकदम युवा अवस्था, वो झुर्रियां चली गई, बाल सफेद थे वो चले गए, वो जो दिख नहीं पा रहा था उनकी रोशनी वापस आ गई देखने की, कान में जो सुनाई नहीं दे रहा था वो सुनना वापस आ गया, सब कुछ ठीक हो गया। सुकन्या जो उनकी पत्नी थी, अब वो पहचान नहीं पा रही मेरे पति कौन है, वो तो पतिव्रता नारी है। वो अश्विनी कुमारों के चरणों में गिर गई, आप बताओ कि मेरा पति कौन है। बोले, यही आपके पति है। देखिए, इतनी निष्ठावान, इतनी समर्पित थी, जब पति बूढ़ा था तब भी सेवा किया। लेकिन मैं ये कथा क्यों बता रहा हूं कि च्यवन मुनि की भी इच्छा है जवान होने की, कि मैं भी जवानी में जो मेरी इंद्रियों का सुख है वो भोग सकूं। सुकन्या पहचान दी पा रही थी, सुकन्या ने अश्विनी कुमारों का आश्रय लिया, अश्विनी कुमारों ने बोला, ये आपके पति हैं। अब क्या हुआ, पिता आया, पिता ने देखा कि इसने किसी और पुरुष के साथ विवाह कर लिया है, क्योंकि जो च्यवन मुनि बूढ़े थे, अब यहाँ पे तो बूढ़ा व्यक्ति दिख नहीं रहा, कोई जवान व्यक्ति दिख रहा है। तो पिता जो थे डांटने लगे अपनी पुत्री को, सुकन्या को, अरे तू पतिव्रता नारी नहीं है, तूने अपने पति के होते हुए दूसरा विवाह कर लिया, तेरे को शर्म नहीं आई? लेकिन सुकन्या हंस रही थी, उसको पता है कि मैं तो पतिव्रता नारी हूं, ये पहचान नहीं पा रहे कि पुरुष जो है वही च्यवन मुनि है, जो पहले बूढ़े थे अभी जवान हो गए। और इसी सौबरी मुनि का भी दृष्टांत आता है। सौबरी मुनि 10,000 साल तक तपस्या किए थे यमुना नदी में अंदर रहकर, लेकिन एक वैष्णव अपराध के कारण उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी विवाह करना है। 10,000 साल तक कोई योगी तपस्या करे तो उसके पास योग सिद्धियां आ जाती हैं, तो सिद्धि से वो जवान भी बन सकता है। तो मानदाता राजा थे मथुरा में, उनकी 50 कन्याएं थी। अब गए, सोचा कि एक कन्या मिल जाएगी, विवाह हो जाएगा। लेकिन शरीर का जो स्थिति था वो कुरूप था, अच्छा नहीं दिखता था शरीर, बूढ़े थे, शरीर का मांस लटका हुआ था, तो ऐसे पुरुष से कौन शादी करेगा। और मानदाता राजा की 50 कन्याएं बहुत सुंदर थी, जब उन्होंने देखा
तो राजा ने बोला मैं इसके बीच में क्यों पढ़ूं, अगर मैं मना करूंगा कि मेरी पुत्री आपसे विवाह नहीं करेंगे तो ये राजा जो सौबरी मुनि मुझे श्राप दे देंगे, तो अच्छा है मैं अपनी पुत्रियों को बुलाता हूँ, वही निर्णय कर लेंगे। तो पुत्र ने कहा अरे ऐसा शरीर है, हम क्यों विवाह करें, हम तो नहीं करेंगे। तब सौबरी मुनि को पता चला शरीर जवान होना जरूरी है अगर इन युवतियों के साथ मुझे विवाह करना है। तो योग सिद्धि थी, योग सिद्धि से उन्होंने अपने बूढ़े शरीर को जवान बना लिया। ठीक है, अब जवान होने के बाद जब वो सामने गए 50 के 50 कन्याओं के, तो वो 50 के 50 आपस में लड़ने लगी कि हम इससे शादी करेंगे। झगड़ा हो गया 50 के बीच में, हमें पति के रूप में चाहिए, आप सोचिए। तो सौबरी मुनि को फिर 50 से विवाह करना पड़ा, करने गए थे 1 से, करना पड़ा 50 से। ये जवान होने का खतरा है जो हम मोल लेके बैठे हैं। मैं भक्तों को भी देखता हूँ, शरीर में कुछ वृद्धावस्था के सिम्टम आ जाए, लक्षण आ जाए, वो भी मिटाना चाहते हैं। नेचुरल रहना चाहिए, स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्रकृति ने आपको दिया वैसे रहना चाहिए। आप जवान दिखोगे तो कोई ना कोई आकर्षण हो जाएगा आपके ऊपर, वो मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी आपको, जैसे सौबरी मुनि ने लिया। काल का प्रभाव अच्छा है, एक तरह से हमको सिखाता है भैया अभी हमारा समय आ गया है, भजन अच्छे से कर लो। और जिसका काल के ऊपर सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता नहीं है, फिर वो संसार को और भोगना चाहता है, सौबरी मुनि की तरह, चयन मुनि की तरह। लेकिन भगवान की शरण में जो जाता है उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी हम सीख सकते हैं। जैसे आप देखिए बड़े बड़े महान संत हैं, वो भौतिक दृष्टि से आपको देखेगा बूढ़े हैं, बाल सफेद हो गए, लेकिन उनकी जो अंदर की पावर है ना, शक्ति है ना, वो जवान व्यक्ति की तरह है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हैं, समझते हैं ना। आजकल तो ब्रह्मचर्य नियम छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म हो गया है। ब्रह्मचर्य नियम पालन करना बहुत जरूरी है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक। अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हो तो वृद्ध अवस्था में बहुत कठिनाई आएगी, वृद्ध अवस्था में ज्यादा बीमारियां लगेंगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा, आयु कम हो जाएगी, बीमारियां जल्दी लगेंगी। ये ब्रह्मचर्य व्रत ना करने के पालन के कारण ये सब होता है। तो जो महान भक्त भगवान की शरण में है, पूर्ण समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं, उन पे भी काल का प्रभाव नहीं होता है। जैसे भीष्म पितामह थे, उन पे काल का प्रभाव था क्या? देखिए कितना बड़ा वरदान मिला था अपने पिता शांतनु महाराज से, अपने पिता की सेवा किए थे, पिता ने वरदान दिया जब तुम्हारी इच्छा होगी तब मृत्यु आएगी, इच्छा मृत्यु का वरदान था। तीरों की शैया पे लेटे थे तब भी मृत्यु नहीं आई थी, जब कृष्ण सामने खड़े थे कृष्ण का दर्शन किया तब उन्होंने मृत्यु की इच्छा की, अब मृत्यु आ जाए, क्योंकि ये सही युग के समय है और मैं भगवान को देखते ही शरीर छोड़ना चाहता हूँ। आप ध्रुव महाराज का चरित्र देख लीजिए, ध्रुव महाराज जब भगवान ने विमान भेजा, विमान पे चढ़ने के लिए अपना पांव रखने लगे तो मृत्यु सामने आ गई, काल सामने आ गया, बोले मुझे स्पर्श किए बिना, मुझे आलिंगन दिए बिना कोई भी यहां से जा नहीं सकता है। तो ध्रुव महाराज बोले इसमें क्या बड़ी बात है, तो मृत्यु वहां पे झुक गई, लिखा है भागवतम में काल झुक गया, ध्रुव महाराज ने काल के सिर पे पांव रखकर विमान में प्रवेश किया। ये भक्त की शक्ति होती है जिसके कारण वो काल को भी जीत लेता है। भगवान तो जीते हुए हैं काल को, भगवान के वश में पूरा काल है, लेकिन भक्त भी जीत लेता है। कैसे जीतता है? भक्त को मृत्यु का डर नहीं होता, भक्त को ये डर नहीं होता कि मेरी मृत्यु कब आएगी, भक्तों को केवल ये डर होता है कि मैं कृष्ण को भूल ना जाऊं बस। इसलिए काल भी हार जाता है भक्त के सामने, वो लेने आता है, लेकिन जो काल भगवान के भक्त की भक्ति देखता है वो प्रभावित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे द्वारकावासी कह रहे हैं कि आपको काल प्रभाव नहीं दिखा सकता। हर एक वस्तु पे काल का प्रभाव है ना, है या नहीं है? जगत इसी काल के कारण ही तो चल रहा है, और काल को मापने के लिए भगवान ने किसको नियोजित किया है, किसको बनाया? सूर्य को।
भागवतम में एक श्लोक आता है जो भगवान की कथा को हमेशा सुनता रहता है या भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है। सूर्य का अधिकार नहीं है उस भक्त की आयु का हरण करने का, सूर्य का अधिकार नहीं है। सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है? हमारा दिन जा रहा है ना, हमारी आयु में से कट रहा है ना, धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? लंदन, अमेरिका, कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। सूर्य इसका बैरोमीटर है, मापदंड है, जैसे बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर होता है ना, तो आयु को मापने के लिए भगवान ने सूर्य को रखा है। भगवान का नेत्र है और ये देखता रहता है सबको और अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सूर्य को अधिकार नहीं है भक्त की आयु हरने का, क्योंकि वो भक्त भगवान की सेवा में सदैव लगा हुआ है। लेकिन जो सेवा में नहीं लगा भगवान की, जो कथा श्रवण नहीं कर रहा, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा, तो सूर्य उसकी आयु हरण कर रहा है, उसकी आयु को चूस रहा है वो धीरे धीरे। इसलिए भक्ति बहुत विशेष है। भक्ति जो करता है वो काल के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। और देखिए भौतिक दृष्टि से भी कहेगा भक्त की मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु होने के बाद उसको कौन सा शरीर मिलता है? सच्चिदानंद शरीर मिलता है, शाश्वत शरीर मिलता है। अब उसमें उस शरीर पे कोई भी काल का प्रभाव नहीं होगा। इवन इस जगत में भी देख लीजिए, प्रभुपाद जी कहते हैं मान लो भक्त को कोई बीमारी हो गई, बाह्य दृष्टि से दिखेगा उसको कैंसर हो गया, लेकिन वो अपने मन ही मन में कृष्ण का चिंतन करता रहता है। उस कैंसर का जो वेदना होता है, दर्द होता है, उसको प्रभावित नहीं कर पाता। ये भी काल पे विजय प्राप्त करने जैसा ही है। ये तो आप संसारी लोगों को हॉस्पिटल में जाके देखो कैसे रोते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, उनको कैंसर का बीमारी हो जाए जैसे उनका जान निकल रहा है। तो भक्त जीत लिया है, उस समय मृत्यु को जीत लिया है, उसको कोई डर नहीं है। भक्त जानता है कि मरने की कला कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे सब आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन हम आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं, मतलब जीने की कला। लेकिन लोगों को जीने की कला ये भी पता नहीं है कैसे जिया जाए। अब जीने की कला पता नहीं है तो मृत्यु की कला आप कैसे पहचानोगे? पहले तो आपको जीने की कला सीखनी पड़ेगी। जीने की कला कैसे जीना चाहिए? भगवान को स्मरण करके जीना चाहिए, ये जीने की कला है। जब आपको यही पता नहीं है तो मृत्यु की कला आप कैसे सीखोगे? जब आपने जीते जी भगवान का स्मरण नहीं किया तो मृत्यु के समय भगवान कैसे स्मरण आएंगे? और काल ऐसा होता है सब कुछ छीन लेता है ना, छीनता है नहीं छीनता है, एक एक करके वस्तु हमारे हाथ से निकलती जाती है ना, हम उसको रोक पाते हैं क्या? नहीं रोक पाते ना। देखो जब बच्चा जन्म लेता है, बढ़ता है, तो बचपन में खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो साथ में किताब आ गई तो खिलौने छूट गए, एक वस्तु निकल गई। अब थोड़ा बड़ा होगा तो और बड़ी किताबें लेगा, कॉलेज में जाएगा वो किताबें मिल गई तो स्कूल की किताबें छूट गई, एक एक करके सब छूटता जा रहा है। अब विवाह हो गया, नौकरी लग गई तो कॉलेज की किताबें छूट गई, नौकरी करने लग गया। रिटायरमेंट हो गई तो नौकरी भी छूट गई। बूढ़े हो गए, बूढ़े होने पे व्यक्ति क्या करता है? सबको उपदेश देता रहता है, उसका गलत स्वभाव होता है, वो चाहता है मैं सब चीजों को ठीक कर दूं। लेकिन एक एक करके क्या होता है, पत्नी का साथ छूटता जाता है, बच्चे उससे नाराज होते जाते हैं, बच्चों का साथ छूटता जाता है, फिर उससे धन जो कमाया था वो भी धीरे धीरे जा रहा है, घर के नौकर चाकर उसका सुनना बंद करते हैं वो भी चले जाते हैं, एक एक करके सारी वस्तुएं छूट रही है ना। लेकिन उसकी आसक्ति किसमें लगी हुई है? संसार में लगी है। काल उसको सिखा रहा है देखो एक एक वस्तु जो तुमने प्राप्त की वो तुमसे छूटती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा सब कुछ छूट जाएगा, फिर आपके पास कोई कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि काल सब कुछ ले लेगा, हमने जो भी इकट्ठा किया सब कुछ ले लेगा। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, मृत्यु सर्व अरश्चहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ आके छीन लेता हूँ। तुमने जो कमाया है ना, तुमने यश भी कमाया, ठीक है, कोई सोचेगा मैंने पैसा कमाया, मृत्यु के समय पैसा चला गया, लेकिन यश कोई नहीं ले पाएगा, काल के प्रभाव से यश भी नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति ने बड़ा बनने के लिए सपना देखा, उस सपने को पा भी लिया, लेकिन मृत्यु के बाद उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं करता, उसकी प्रसिद्धि, उसका यश सब खत्म हो जाता है।
और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, काल अपने वास्तविक रूप में नहीं आता भक्त के सामने, वो भगवान के रूप में आते हैं, श्याम सुंदर के रूप में आते हैं, लेकिन जो कर्मी है, जो भक्त नहीं है, उसके सामने तो वो काल यमदूत का रूप लेके आता है, यमराज का रूप लेके आता है। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उपमा देते हैं, जैसे बिल्ली है, बिल्ली चूहे को जब पकड़ेगी तो कैसे पकड़ेगी? काल की तरह पकड़ेगी, दांतों में दबा देगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ेगी तो कैसे पकड़ेगी? कितने प्रेम से पकड़ती है, इसको कोई तकलीफ ना हो। तो प्रभुपाद जी कहते हो जो बच्चा है बिल्ली का वो भक्त है, और जो कर्मी है, जो भक्त नहीं है, संसारी लोग हैं, वो चूहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो काल का प्रभाव ऐसे होता है, और डर लगता है ना। काल का एक परिणाम, काल का एक लक्षण और क्या? डर पैदा, मन के अंदर भय पैदा करता है। अब लेकिन कितना भी भय आ जाए, जो समय हमको मिला था वो समय तो जा चुका है ना, अब बचे हुए समय में हम क्या प्रयत्न करेंगे? इसलिए भगवान के भक्त बोलते हैं, नाम लो, हरि नाम लो, आके दर्शन करो, कार्तिक का महीना है, दीपदान करो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। चाणक्य पंडित क्या कहते थे, अगर काल बीत गया, समय चला गया, आप करोड़ों रुपया देके भी उस समय को वापस नहीं ला सकते। ला सकते हो? नहीं ला सकते। रावण सोच रहा था एक ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा, उस सीढ़ी पर चढ़ के हर कोई स्वर्ग में जाएगा, है ना, जो पापी लोग हैं वो भी स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ना वो सीढ़ी बनी, है ना वो रहा। तो काल के प्रभाव से हर वस्तु क्षीण होती है। इसलिए अपने शरीर के सौंदर्य पे इतना अभिमान नहीं करना चाहिए, काल के प्रभाव से ये भी धीरे धीरे नष्ट होगा। जो चीज वस्तु आपको जवानी में बहुत अच्छी दिख रही है, इसको आप बहुत स्पर्श करना चाहते हो, बुढ़ापे में आप देख नहीं पाओगे उसको, बुढ़ापे में आपकी देखने की इच्छा नहीं करेगी उसको, क्योंकि काल ने वस्तु गला दी, उसको सड़ाना शुरू कर दिया, ये परिणाम है काल का। लेकिन कोई भगवान जो काल के प्रभाव से परे हैं, उन भगवान का जब हम आश्रय लेते हैं, वो काल हमको भी प्रभावित नहीं कर सकता, ये सत्य है। तो बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव हो, ब्रह्मा हो। आप भागवतम के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज का चरित्र देख लीजिए, जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया तो किसी देवता ने बचाया था क्या? कहां कहां गए थे दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए? समुद्र के अंदर घुस गए, समुद्र के जो जल के देवता वरुण, उन्होंने बोला मैं नहीं बचा सकता आपको, आपने भगवान के भक्त का अपराध किया है। वहां से निकल के फिर गुफाओं में, कंदराओं में जा रहे हैं, मंदराचल पर्वत के अंदर घुस रहे हैं, सुदर्शन पीछा नहीं छोड़ रहा। उसके बाद में कहां जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मा जी भी कृष्ण की पूजा करते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखी महादेव राम राम हरे हरे। तो शिव जी 5 मुखों से राम का नाम उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा जी 4 मुखों से कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला सृष्टि बनाई है मैंने, मैं प्रथम जीव हूं, भगवान का पुत्र हूं, लेकिन आपको नहीं बचा सकता, क्षमा चाहता हूं। अब दुर्वासा मुनि सोचा अभी शिव जी है, मैं उन्हीं के अंश से जन्मा हूं, क्योंकि बड़े क्रोधी थे दुर्वासा मुनि। शिव जी को भी जल्दी क्रोध आता है, शिव जी जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, इसलिए क्या नाम है उनका? आशुतोष। अब दुर्वासा मुनि दौड़े दौड़े कैलाश चले गए शिव जी के पास में। शिव जी हंसने लगे, किससे पंगा ले लिया? शिव जी बोले जिनके भ्रुकुटी के हिलने से पूरी सृष्टि बन जाती है, जिनकी आज्ञा का पालन मैं और मेरे पिता ब्रह्मा जी करते हैं, मेरे भाई सनत कुमार नारद मुनि करते हैं, और तुमने ऐसे भगवान के भक्त का चरणों में अपराध कर दिया, मैं भी नहीं बचा सकता, आप भगवान के पास जाओ, वही आपको बचाएंगे। तो भगवान के पास जब पहुंचे दुर्वासा मुनि, भगवान बोले मैं भी नहीं बचा सकता, तो
दुरासा मुनि हैरान हो गए। दुरासा मुनि बोले जिसका सुदर्शन चक्र है वो मुझे बचा नहीं पा रहा, बचाएगा कौन? बोले सुदर्शन चक्र जब तक मेरा था मेरे पास था, लेकिन मैंने वो अपने भक्तों को दे दिया, अब उसकी संपत्ति है, अभी वो तुमको क्षमा कर दिया तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा, नहीं तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। तो प्रभुपाद जी वहां पे सारांश में लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं कथा का, यही है कि जितने भी देवता हैं, चाहे ब्रह्मा हो शिव जी हो, अगर कोई भक्त के चरणों में अपराध करता है तो उस भक्त को दंड केवल विष्णु ही देंगे, ब्रह्मा भी उसको बचा नहीं सकते, शिव जी भी उसको बचा नहीं सकते। तो सारे देवता भगवान का चरणों का आश्रय लेते हैं, इसलिए देवताओं का हमें आश्रय न लेते हुए हमें भगवान का डायरेक्ट आश्रय लेना चाहिए, और जो आश्रय भगवान का लेता है देवता भी उसकी पूजा करते हैं। प्रहलाद महाराज का गुणगान स्वर्ग में होता है, देवता लोग करते हैं, जहां पे भक्तों की चर्चा हो वहां पे प्रहलाद महाराज की चर्चा ना हो, प्रहलाद महाराज की चर्चा के बिना वो मीटिंग पूरी नहीं होती। आप सोचिए देवता भी बैठकर प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा करते हैं, ये भक्त का प्रभाव होता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान का आश्रय लिया, उस पे भी काल का प्रभाव नहीं है। तो द्वारकावासी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके काल का प्रभाव नहीं है, सारे देवता आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त जिनका लक्ष्य आप हैं, आप ही उनके परम आश्रय, आप सबके आश्रय हैं, लेकिन परम आश्रय आपके भक्त हैं जो आपका आश्रय लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस बोलो। हाँ नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है, अगर काल का प्रभाव होता तो वो बिस्तर से उठ नहीं पाते। महाराज इतनी उम्र में भी व्हील चेयर पे एक दिन में चार चार प्रवचन दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और भक्ति सर्वम कोर्स कर रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे ऐसे जवान लटक रही है, आप सब देखे फोटो वीडियो देखे, काल नहीं बिगड़ सकता उनका कुछ भी, क्योंकि भगवान के आश्रित है, गुरु के आश्रित है। ये सही प्रमाण है, सही एग्जाम्पल बताया प्रभु जी। हमारे संस्था में जितने भी सन्यासियों का एक्सीडेंट होके मृत्यु हुई है, नहीं तो कैंसर होके मृत्यु हुई है, लेकिन कैंसर होते ही उनको कोई दर्द नहीं शरीर में। मैं कई नाम बता सकता हूँ, भक्ति तीर्थ महाराज, श्रीधर महाराज, कदम कानंद महाराज, अभी गुरु बहन है माता जी, अभी शरीर छोड़ा उन्होंने, कोई शरीर में दर्द नहीं। तो आप जो भक्त नहीं है जिसको कैंसर होता कैसे तड़फता रहता है जाके देखो। काल का प्रभाव भक्तों पे भी नहीं होता, भौतिक दृष्टि से देखेगा वो लेटा हुआ है बूढ़ा हो गया, लेकिन अंदर से वो जवान है, उसकी आत्मा पूरी जवान है, वो क्योंकि भगवान के कनेक्टेड है, वो भगवान के साथ उसका सीधा कनेक्शन है। ऐसा इसलिए भक्ति करनी चाहिए, भक्ति आपको जवान बना देगी, काल का प्रभाव नहीं रहेगा। और किसी का कोई टीका या टिप्पणी? ठीक है, सुश्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।